सर, पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है और इसके क्या फायदे होते हैं? पावर ऑफ अटॉर्नी एक कानूनी दस्तावेज है। हिंदी में इसे मुख्तियारनामा कहा जाता है। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी काम को करने में सक्षम नहीं है या फिर उसके पास समय नहीं है तो वह किसी दूसरे बंदे को नियुक्त कर सकता है उस काम को करने के लिए, और इसी को पावर ऑफ अटॉर्नी कहा जाता है। पावर ऑफ अटॉर्नी कई तरह की दी जा सकती हैं। जैसे मान लो कोई पैसों का लेन देन होना हो, कोई ज़मीन की रजिस्ट्री होनी हो, उसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी यूज़ होती है। कहीं पर इन्वेस्टमेंट होनी हो, उसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी यूज़ होती है। और कहीं पर कोई चिकित्सा से संबंधित कोई निर्णय लेना हो, उसके लिए भी पावर ऑफ अटॉर्नी यूज़ होती है। और पावर ऑफ अटॉर्नी का क्या फ़ायदा होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पावर ऑफ अटॉर्नी का एक फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं कराई और वह मानसिक या शारीरिक रूप से अपंग हो गया है। अब उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है, कोई काम करना है, कोई ज़मीन बेचनी है, या फिर वित्तीय सहायता चाहिए, या फिर चिकित्सा सहायता चाहिए, लेकिन वो उसमें सक्षम नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा, उसको तहसील में जाके वहाँ चक्कर लगाने पड़ेंगे, वहाँ साइन करने पड़ेंगे, फिर जाके वो पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके ऊपर उसको भरोसा है उसको पावर ऑफ अटॉर्नी उस टाइम वो दे सकता है, लेकिन वो सक्षम नहीं है तो अब वो पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दे पाएगा। तो इसलिए अगर उसने अगर पहले पावर ऑफ अटॉर्नी दी होती तो उसको ये समस्या का सामना नहीं करना पड़ता।